हाय एवरीवन, आई एम दीपांकर एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो उन्हें पता है कि मैं ऑलरेडी स्टैडलर पॉलीक्रोमोस और डोम्स कलर पेंसिल यूज करता हूँ, पर क्या करूँ, हूँ तो मैं आदत से मजबूर। तो जब भी मैंने इसे ऑनलाइन देखा तो इस कलर पेंसिल को परचेस करने से मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। सो हाँ, अमेजोन से मैंने इसे परचेस कर लिया। सो आज चलो इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये 72 शेड्स ब्रस्टो कलर पेंसिल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इज इट द बेस्ट कलर पेंसिल इन द मार्केट राइट नाउ? सो चलो पता लगाते हैं। सो ये रहा 72 शेड्स ब्रस्टो का नया कलर पेंसिल सेट। So, ये एक 4mm थिक सॉफ्ट वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक भी है। बॉक्स को ओपन करते ही मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो है कि ये तो एकदम हूबहू फैबेकसल पॉलीक्रोमस कलर पेंसिल की तरह ही दिखता है। सिर्फ वहाँ पर आप लोगों को 2500 रुपये में सिर्फ 24 कलर पेंसिल मिलता है और यहाँ पर आप लोगों को 2000 रुपये से भी कम के प्राइस में 72 अलग अलग कलर शेड्स के कलर पेंसिल्स मिलते हैं। जैसे कि देख सकते हो बहुत सारा कलर्स के ऑप्शंस है। सो चलो कुछ पेंसिल्स को हाथ में लेकर देखते हैं कि इन हैंड फील कैसा है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि इसका इन हैंड फील भी सेम फैबेकसल पॉलीक्रोमस की तरह ही है, सिर्फ ये एक वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल है और वो एक ऑयल बेस्ड कलर पेंसिल है। 72 शेड्स होने की वजह से आप लोगों को जो भी कलर शेड चाहिए वो आप लोगों को इस कलर पेंसिल में मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हो चारकोल शेड का भी एक कलर पेंसिल यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ पोर्ट्रेट करने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे कलर ऑप्शंस ऑलरेडी है। सो चलो सामने से देख लेते हैं कि पेंसिल में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इस पे जो कलर है उसका नाम लिखा हुआ है और उसके साथ एक स्पेशल नंबर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टोटल 72 कलर्स है। सो ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो तो हर एक पेंसिल का एक नंबर, यूनिक नंबर दिया हुआ है। सो यहाँ पर टोटल 3 ट्रे में पूरा जो 72 कलर पेंसिल है वो सजाया हुआ है। सो मेन जो टीन बॉक्स है उसे अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है। सो उसमें बहुत ही अच्छे से दोनों जो तीन ट्रेज है वो अच्छे से उसमें ही आ जाता है। सो चलो अब पीछे की तरफ देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। सो यहाँ पर देख सकते हो कि कलर के साथ उसका जो नाम और नंबर है उसका एक पूरा लिस्ट यहाँ पर पीछे दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा कलर यहाँ पर आप लोगों को मिलता है। तो ईजीली आप लोग पीछे ही देख ले सकते हो बिना बॉक्स को ओपन करके ही। सब है इसको टेस्ट करने की बारी। मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल शीट ले लिया है, टेक्स्चर शीट, ताकि जो पेंसिल का टेक्स्चर है वो अच्छे से समझ में आए। तो उसको हर एक जो कलर पेंसिल है उसका मैं इसको ऊपर यूज़ करके और ब्लेंड करके देखूंगा कि कैसा फील आता है, मतलब जो टेक्स्चर है वो कैसा बनता है पेंसिल से। पेंसिल को जैसे सजाया हुआ था मैं वैसे ही एक के बाद एक यहाँ पर शेड्स दे रहा हूँ और एक कलर पेंसिल के साथ दूसरा वाला जो कलर पेंसिल है उसे थोड़ा मिक्स करके ऐसे एक ग्रेडियंट की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो पहला चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया वो है जो वैक्स है उसका स्मूथनेस, मतलब पेंसिल को यूज़ करने के लिए आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा प्रेशर देने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही इजीली कलर यहाँ पर आप लोगों का जो पेज है उसके ऊपर बैठ जाएगा और जो मिक्सिंग है मतलब ब्लेंडिंग है वो भी करीब करीब एवरेज या फिर मैं बोलूँगा तो वो अच्छा ही होता है, क्योंकि ये वैक्स बेस्ड कलर पेंसिल है तो इसका जो ब्लेंडिंग है वो ऑयल बेस्ड कलर पेंसिल से थोड़ा कम ही रहता है। वैसे भी आप लोगों के पास तो 72 शेड्स ऑलरेडी है, तो आप लोग इजीली जहाँ पर जो कलर चाहे तो वो इजीली जो पेंसिल है उसे पिकअप करके कर ले सकते हो। सो ब्लेंड करने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा मैंने जो चीज़ नोटिस किया वो है जो पेंसिल का कलर है वो, मतलब लिट का कलर नहीं, पेंसिल का बाहर का जो कलर है वो, लिट का कलर और पेंसिल का बाहर का कलर में किसी किसी पेंसिल में थोड़ा डिफरेंसेस है। मतलब ऐसा रहता है कि पेंसिल को देखकर तो लगेगा कि जो कलर है वो डार्क ही रहेगा,
पर करने के बाद आपको पता चलता है कि जो लिट का कलर है वो थोड़ा हल्का है। सो इसलिए आप लोग ऐसा कर सकते हो कि ऐसा एक चार्ट बना लो कलर्स का और उसके नीचे जिस पेंसिल का जो नंबर है वो लिख लो, तो जब भी आपको जो पेंसिल चाहे इस चार्ट को देखकर उस पेंसिल को सिलेक्ट कर सकते हो। सो लास्टली मैं आप लोगों को ये बोल ही सकता हूँ कि 2000 रुपये की नीचे की प्राइस पॉइंट में दिस इज़ द बेस्ट पेंसिल दैट यू कैन बाई। फिर भी ये तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे बाकी पेंसिल जैसे कि फेविकसिल पॉलीक्रोमस कलर पेंसिल या फिर डोम्स कलर पेंसिल के साथ कंपेयर करके आप लोगों को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि इस पेंसिल का पॉजिटिव साइड्स कौन सा है और नेगेटिव साइड्स कौन सा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि दोनों पेंसिल को साइड बाई साइड देखने में तो सेम ही लगता है, पर इसका टेक्स्चर्स में क्या डिफरेंसेस है वो हम लोग आने वाले वीडियोज़ में पता करेंगे। उसके लिए आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगर आप लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और हाँ, अगर आप लोग इस कलर पेंसिल को बाय करना चाहो तो नीचे मैं उसका एक लिंक डाल दूंगा, वहां पर क्लिक करते हुए आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। सो फॉर नाउ आई एम दीप साइनिंग ऑफ, मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक, पीस।